आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सो मेटल एनायन है। ऑक्सो मेटल एनायन का मींस होता है कि इसमें मेटल और ऑक्सीजन के बीच में आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, और जितने ऑक्सो ग्रुप ज़्यादा होते हैं उतना ही मेटल या कोई भी कंपाउंड स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो हम बनाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट को। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम बनाते हैं क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है FeCr2O4। और जब हम इसकी रिएक्शन Na2CO3 या NaOH के साथ में एयर की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें क्रोमाइट ओर से एक Fe2O3 मिलता है और दूसरा NaCr2O4। इसको हम सोडियम क्रोमेट कहते हैं। सोडियम क्रोमेट का कलर येलो होता है। जब हम इस सोडियम क्रोमेट के सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में ट्रीट कराते हैं तो H2SO4 इसको कन्वर्ट कर देता है सोडियम डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड है। सोडियम डाइक्रोमेट को हमें कन्वर्ट करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट में, तो हम क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन KCl से कराते हैं। KCl सोडियम को रिप्लेस कर देता है क्योंकि पोटेशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज़्यादा है और हमें ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मिलता है जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7 और कलर होता है ऑरेंज। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 6 है तो फिर ये कलर क्यों दिखाता है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो बच्चों इसमें एक डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। अब चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स भी कहता, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के बैकेंड डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है तो इसमें एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बनता है जिसको हम कहते हैं लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ऐसा ही क्रोमेट आयन में भी होता है। क्रोमेट आयन में भी +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसमें भी लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होती है 1 हुई 2 हुई तो फिर मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बनता है। एग्जाम्पल जैसे CO2। यहां पर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और जो इंपॉर्टेंट भी है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमेट पर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम से ट्रीट कराते हैं, मतलब पीएच हाई लो कर देते हैं, तो येलो कलर ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिडिक मीडियम में येलो कलर ऑरेंज में चेंज हो जाता है, और जब हम इसमें बेस डालते हैं तो ऑरेंज कलर फिर से येलो में चेंज हो जाता है। अब कॉम्पिटिटिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस पीएच पर इक्विबिलियम आता है, तो 4 पीएच अगर होगी तो फिर इक्विबिलियम आ जाएगा। इक्विबिलियम का मीन्स है ऑरेंज और येलो कलर एक दूसरे में आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, वो क्या है कि अगर हम सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन एसिटिक एसिड से कराएं तो भी क्या ऑरेंज कलर बनेगा? नहीं, ऑरेंज कलर 4 पीएच के नीचे बनेगा और येलो कलर 4 पीएच के ऊपर बनेगा, क्योंकि एसिटिक एसिड की पीएच 4 से ज्यादा होती है, इसलिए एसिटिक एसिड या कोई भी वीक एसिड के साथ में ऑरेंज कलर नहीं आएगा। अब हम चलते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यह सॉल्युबल इन वाटर है लेकिन हॉट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 671 केल्विन होता है। हम डिस्कस करेंगे अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं बोल रहा हूं, हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं सबसे पहले हीटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो ये ब्रेक होकर पोटेशियम क्रोमेट और Cr2O3 का ग्रीन कलर देता है और पोटेशियम क्रोमेट का येलो कलर बन जाता है और Cr2O3 का ग्रीन कलर बनता है। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन
KOH के साथ में बेसिक मीडियम में कराते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर पीएच 4 से ज्यादा हुई तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर चेंज हो जाएगा और ये पोटेशियम क्रोमेट बनाएगा, और पोटेशियम क्रोमेट का कलर जिस कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो होता है येलो। और क्यों होता है? क्योंकि इसमें लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बनता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देख सकते हैं क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों में ही रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये तीनों ही ऑक्सीजन रेजोनेंस में आएंगे, इसलिए इन तीनों की बॉन्ड लेंथ इधर से इक्वल हो जाएगी और इधर से इन तीनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगी। लेकिन जो ब्रिज ऑक्सीजन है इसकी बॉन्ड लेंथ बाकी 6 ऑक्सीजन से अलग होती है। तो डायक्रोमेट आयन में 6 क्रोमियम ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। जबकि आप देख सकते हैं क्रोमेट में 4 क्रोमियम और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, जो किसी एग्जाम में अभी नहीं आया है। अब हम डिस्कस करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को, और इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन KMnO4 के कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 1.23 है, जबकि KMnO4 के एसिडिक मीडियम में वैल्यू होती है 1.51 और न्यूट्रल मीडियम में उसकी वैल्यू होती है 1.69 और बेसिक मीडियम में होती है 0.69। इसका मींस क्या हुआ? पोटेशियम डाइक्रोमेट किसी भी मीडियम में KMnO4 से कम ऑक्सीडाइजिंग होगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, हमें ये रिएक्शन याद करनी पड़ती है जो हमने 11th में रिडॉक्स में पढ़ी थी कि क्रोमेट की जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो डाइक्रोमेट हमेशा क्रोमियम प्लस 3 में कन्वर्ट होता है और ये 6 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 है और यहाँ एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 3, क्योंकि डायक्रोमेट में 2 क्रोमियम है इसलिए 3 और 3 मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर ले। अब बच्चों हमने ये रिएक्शन याद कर ली है और ये हमें इसकी रिएक्शन पूरी करने के लिए जरूरी है। अब मैं आपको रिएक्शन का एक कंसेप्ट समझाऊंगा जो आपकी पूरी इनऑर्गेनिक में आपको काम आएगा, तो वो कंसेप्ट क्या है हम देखते हैं। यहां पर मैंने कुछ रिएक्शन लिखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल इक्वेशन है, अगर आप इनको याद कर लें तो आप देख सकते हैं आप पूरी इनऑर्गेनिक के सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन को कर सकते हैं। Fe+2 जब भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा ये प्लस 3 में डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हमने सल्फाइड की रिएक्शन कराई तो फिक्स सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने सल्फर की रिएक्शन कराई तो पहले सल्फर SO2 बनेगा और फिर SO2 SO3 में और फाइनली सल्फेट तक जा सकते हैं। जब हम 10+2 की रिएक्शन करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा 10+4 में। जब हम ऑक्सलेट की रिएक्शन करेंगे, ऑक्सलेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बच्चे को हर हालत में आनी ही चाहिए, तो ऑक्सलेट CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम किसी हेलोजन मतलब X- की रिएक्शन कराते हैं जैसे Cl- I- तो ये डेफिनेट I2 में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर हमने I2 की रिएक्शन कराई तो वो फिर सीधा ही XO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका यूज। तो Cl- का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये Cl2 में कन्वर्ट होगा, I- का किया तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात क्या है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, डेफिनेट यही ज्यादातर एग्जामों में पूछी हुई है कि अगर I- एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट करता है तो सीधा ही IO3- में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर एल्कलाइन नहीं होगा तो I- से हमको मिलेगा I2। NO2- का अगर हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराएं तो NO3 बन जाएगा, सल्फाइड से हमें सल्फेट मिलेगा, मैग्नीज Mn+2 MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और थायोसल्फेट से हमें सल्फेट मिलेगा। अगर हमने ये रिएक्शन याद कर ली तो हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहां समझाता हूं,
अगर हमने K2Cr2O7 की रिएक्शन कराई तो Fe+2 फिक्स +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने KMnO4 से कराई तो भी Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने ओजोन से रिएक्शन कराई तो भी Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमने H2O2 से कराई तो भी Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इन रिएक्शंस को याद कर लें तो ये इनऑर्गेनिक में कम से कम 100 रिएक्शंस हैं जो हम एक चुटकी में कर सकते हैं। तो हम चलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करने। हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन Fe+2 से कराई तो हम देख सकते हैं Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये रिएक्शन हमें याद है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट 14H और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ में 2Cr+3 7H2 बनाता है। पर बच्चों डाइक्रोमेट को 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। दोनों के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हमने आयरन वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया और दोनों इक्वेशनों को ऐड करके लिख दिया। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए और ये इसकी रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई। कैसे? Cr2O7 14H+, क्योंकि हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था आयरन को, इसलिए 6Fe+2 2Cr+3 6Fe+3 और 7H2। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे Ki से। Ki में I की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और -1 में आयोडीन I2 में कन्वर्ट हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। ये रिएक्शन अभी अभी हमने पहले याद करी है Cr2O7 14H+ 6, ठीक है ना, से रिएक्ट करके 2Cr+3 बनाता है, ठीक है ना। अब क्योंकि क्रोमेट को 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है तो आप देख सकते हैं Cr2O7 और ये 6I-3I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन जो H2S के साथ में। हमने अभी अभी यहां देखा है कि सल्फाइड की जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो सल्फाइड S में बदल जाता है। तो सल्फाइड देखो सल्फर में कन्वर्ट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और पोटेशियम डाइक्रोमेट की बेस इक्वेशन को हमने ऊपर से उठाकर यहां रख दिया। तो हमने देखा सल्फर -2 हमेशा सल्फर में ऑक्सीडाइज होता है क्योंकि डाइक्रोमेट को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और दोनों इक्वेशनों को ऐड करके लिख देंगे तो हमारी ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। जब हमने SN+2 की रिएक्शन करी, हमने यहाँ SN+2 को देख रखा है, SN+2 हमेशा SN+4 में कन्वर्ट होता है और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 6, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशनों को एक साथ अटैच कर दी। अब आया हमारे पास ऑक्सलेट जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम ऑक्सलेट की रिएक्शन करते हैं तो आप देख सकते हैं फिक्स CO2 में कन्वर्ट होगा और कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देख सकते हैं जब हमने NO2 की रिएक्शन करी तो NO2 हमेशा NO3- में कन्वर्ट होता है क्योंकि NO3 में एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो एक ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए हमने एक H2O से रिएक्शन करा दी तो हमें NO3 मिला, क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +5 हो गई है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए और H2O में से 2H आ गए, क्योंकि डाइक्रोमेट को हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया और 6H से 14H को कैंसिल करके दोनों इक्वेशनों को ऐड करके लिख दिया। अब ये दोनों इक्वेशन कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 12th NCERT में नहीं है कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड से एसिडिक मीडियम में करते हैं तो हमें एक ब्लू परक्रोमेट मिलता है जिसका नाम है, जिसका फॉर्मूला है CrO5। और CrO5 हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है कि इसमें 4 परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है और ये इंपॉर्टेंट है।
हम डिस्कस करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की लास्ट रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, और ये क्लोराइड आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट है। क्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कौन देता है, ये कॉम्पिटिटिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जिसमें भी आयोनिक क्लोरीन होगी वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता है, मतलब KCl देगा, NaCl देगा या BaCl2 भी देगा, लेकिन क्लोरोफॉर्म या ऑर्गेनिक कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि उसमें आयोनिक क्लोरीन नहीं होती। जब हम किसी आयोनिक क्लोरीन क्लोराइड मतलब NaCl की रिएक्शन K2Cr2 और H2SO4 से करते हैं और ये लैब में क्लोरीन के कन्फर्मेटरी टेस्ट में काम आता है, तो क्रोमाइल क्लोराइड की रेड ऑरेंज वेपर्स बनने लगते हैं। इन रेड ऑरेंज वेपर्स को हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर रखकर उसमें एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और जब उसमें हम NaOH डालते हैं, तो टेस्ट ट्यूब का कलर या टेस्ट ट्यूब में येलो सोल्यूशन बन जाता है, और उस येलो सोल्यूशन को हम एसिटिक एसिड से डाइल्यूट करके या एसिटिक एसिड ऐड करके जब उसमें लेड एसिटेट डालते हैं तो लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है, जो कंफर्म करता है क्लोराइड की प्रेजेंस को। तो बच्चों ये आपके लैब में काम आएगा, क्लोराइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट, और क्लोराइड का प्रीमिलरी टेस्ट होता है कि जब हम सॉल्ट में डाइल्यूट कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो क्लोराइड की बहुत ही पंजेंट स्मेल निकलती है, जिसको सूंघने से आंखों में आंसू आने लगते हैं। और हम चलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के लास्ट दो क्वेश्चन की तरफ, और पोटेशियम डाइक्रोमेट फिनिश हो जाएगा। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को देखते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं, लेकिन हम सोडियम डाइक्रोमेट को वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में यूज नहीं करते। उसका रीजन क्या बच्चों, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट एक डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस है। डेलिक्यूसेंट का मतलब है जब हम इसको रख देंगे तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो अगर हमने इसको रात भर रख दिया तो इसके अंदर एक्स्ट्रा वॉल्यूम बन जाएगा और उससे इसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी और इसका रिजल्ट रॉन्ग आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, हम K2Cr2O7 का सोल्यूशन बनाने के लिए इसमें H2SO4 डालते हैं क्योंकि H2SO4 इसकी हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करता है, लेकिन HCl नहीं डालते जबकि दोनों एसिड है। H2SO4 को पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि H2SO4 में सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे बैठा हुआ है, लेकिन ये HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए बच्चों ये बायवा में भी पूछा जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन HCl के बजाय H2SO4 में क्यों बनाते हैं। अब आया लास्ट क्वेश्चन कि H2SO4 क्यों ऐड करते हैं। H2SO4 डालने से K2Cr2O7 की क्रोमिक एसिड में हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, तो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट समाप्त एंड हो गया है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा पोटेशियम परमैंगनेट।